हाथरस कांड में आज नहीं आएगी एसआईटी रिपोर्ट, जांच के लिए 10 दिन का और मिलावा। एसआईटी की टीम ने मंगलवार को पीड़िता के घर जाकर की पूछताछ, चिता जलाने वाली जगह का किया दौरा। हाथरस में हिंसा की साजिश को लेकर ईडी ने दर्ज किया मामला, फंड दिए जाने की जांच करेगी एजेंसी। हाथरस केस को लेकर एक बार फिर योगी सरकार ने दी चेतावनी, कहा एंटी सीए प्रोटेस्ट की तर्ज पर हिंसा की थी तैयारी। विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य। हाथरस कांड पर यूपी सरकार ने की अदालत की निगरानी में जांच की अपील, अगले हफ्ते होगी सुनवाई। हाथरस पीड़िता के गांव में लगातार बढ़ रही इंसाफ की मांग, लोगों ने एक सुर में कहा निर्दोष फंसे नहीं दोषी बचे नहीं। पीड़िता के गांव में चाक चौबंद की गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम, हर सदस्य के लिए 2 सुरक्षा कर्मचारी। पीड़ित परिवार से मिलने आने वालों पर निगरानी, विजिटर डायरी में दर्ज होगी जानकारी। किसी से मिलने जुलने पर भी कई नियम, बाहर जाने के बारे में पुलिस को देनी होगी जानकारी। हाथरस के एसडीएम की सख्त चेतावनी, धारा 144 को उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हाथरस में आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार पर एफआईआर दर्ज, पीड़ित परिवार से की थी मुलाकात। 29 सितंबर को पॉजिटिव आई थी कुलदीप कुमार की कोरोना रिपोर्ट, 4 अक्टूबर को नेगेटिव होने का दावा। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, पीएमजी अकेले टनल में हाथ लाना छोड़ो, अपनी चुप्पी तोड़ो। हाथरस को लेकर जारी है सियासी कोहराम, परिजनों से मिले लेफ्ट के नेता, न्यायिक जांच की मांग। हाथरस कांड को लेकर जारी है विरोध प्रदर्शन, कोलकाता में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट का हल्ला बोल। हाथरस कांड को लेकर नांदेड़ में दलित संगठनों का विरोध प्रदर्शन, हजारों युवाओं और महिलाओं ने किया उग्र आंदोलन। हाथरस की एक और बलात्कार पीड़िता ने तोड़ा दम, अलीगढ़ में वारदात के 15 दिन बाद 6 साल के मासूम की मौत। मासूम से बलात्कार को लेकर हाथरस में कोहराम, शव के साथ घंटों तक सड़क पर लगाए रखा जाम। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी। कल शाम से चल रही थी मुठभेड़, रात भर होती रही फायरिंग। सेना के साथ सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, पूरे गांव की घेराबंदी। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा, कार के ऊपर गिर गया कंटेनर। पुलिस के मुताबिक कार में सवार 2 लोगों की मौत, दोनों इवेंट मैनेजमेंट के लिए करते थे काम। सुशांत मौत मामले की रिपोर्ट पर फर्जी खबर चला रहे मीडिया संस्थानों को स्वास्थ्य मंत्री ने दी हिदायत, कहा रिपोर्ट में हमारा कोई दखल नहीं है। आज रिया की जमानत पर फैसला करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट, निचली अदालत ने 20 अक्टूबर तक बढ़ाई है न्यायिक हिरासत। सुशांत की बहनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई याचिका, रिया चक्रवर्ती की शिकायत खारिज करने की अपील। सुशांत मामले में मुंबई पुलिस का दावा, पुलिस की छवि खराब करने के लिए बनाए जा रहे हजारों फर्जी सोशल मीडिया खाते, विदेशों से हो रही थी पोस्ट अपलोड। गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले एक राजनीतिक दल ने केस को भटकाया, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराज का नाम किया बदनाम। सीटों का बंटवारा होते ही बीजेपी ने जारी की पहले चरण के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची, शूटर श्रेयसी सिंह को जमुई से टिकट। एजेपी की राह अलग होने के बाद बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा, बीजेपी के कोटे में 121 और जेडीयू के कोटे में 122 सीटें। जीतनराम मांझी की पार्टी को अपने कोटे की सीट देगी जेडीयू, 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। सीटें फाइनल होने के बाद जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, सभी 122 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल। चुनाव में पीएम मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल पर एलजेपी को नीतीश की चेतावनी, का सिर्फ एनडीए की सहयोगी पार्टियों को है अधिकार। नीतीश कुमार के इशारों में उन्होंने साधा एलजेपी पर निशाना, कहा हमारी मदद से राज्यसभा पहुंचे थे रामविलास पासवान। बिहार में गठबंधन से अलग होते जेडीयू पर हमलावर हुई एलजेपी, चिराग बोले 7 निश्चय के भ्रष्टाचारियों को भेजेंगे जेल। आज नामांकन दाखिल करेंगे जीतनराम मांझी, इमामगंज सीट से भरेंगे पर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव पर आज चुनाव आयोग की बैठक, तैयारियों पर होगा मंथन। मोकामा सीट से आरजेडी के अनंत सिंह को दिया गया टिकट, सीट पर जेडीयू के राजीव लोचन से होगा मुकाबला। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी का हरियाणा में हल्ला बोल, बॉर्डर पर रोके जाने के बाद जोरदार बवाल। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ की धक्का मुक्की, राहुल गांधी ने ट्रैक्टर पर खड़े होकर खुद बनाया वीडियो। राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी का पलटवार, पूछा क्या बिचौलियों के साथ है कांग्रेस के नेता। कृषि कानून को लेकर संगरूर में 6ठे दिन किसानों का रेल रोको आंदोलन, रेल ट्रैक पर डटे हैं सैकड़ों किसान। किसान कानून के विरोध में मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत का आयोजन, ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बसों में सवार होकर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, विरोध प्रदर्शन की सीमा तय करने पर आ सकता है आदेश। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका मंजूर, याचिका में सिविल कोर्ट में मुकदमे के चलते रहने को दी गई चुनौती। हाथरस कांड के बहाने योगी सरकार पर बरसे संजय सिंह, बोले काली स्याही से काले कारनामे ढकना चाहती है सरकार। बंगाल प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष राजीव बनर्जी का विवादित बयान, बोले हम लोग चाहें तो पश्चिम बंगाल के सभी थानों में एक मिनट में
तोड़कर धूल में मिला सकते हैं। बीजेपी उपाध्यक्ष के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कहा बंगाल में शांति फैलाना चाहती है बीजेपी। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में बीजेपी नेता पर आतंकी हमला, बाल बाल बचे नेता। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सभी 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, सिंधिया समर्थक सभी नेताओं को दिया गया टिकट। मेरठ में समाजवादी पार्टी नेता के घर पर रिश्तेदार ने की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के रायबरेली में ठेकेदार ने जिला पंचायत परिसर में एमएलसी के सामने लहराया अवैध हथियार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाथरस की पीड़िता को इंसाफ में वाराणसी में विरोध प्रदर्शन, बैनर पोस्टर के साथ सड़क पर उतरे किन्नर। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए मामले, 67 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में देश भर में 986 लोगों की मौत, अब तक 1,04,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले, 14,53,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। यूपी में 24 घंटे में करीब 3,000 नए मामले, 4,17,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में करीब 1,900 नए मामले, 2,92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी के मैनपुरी में बड़े भाई ने छोटे भाई पर पत्नी के साथ रेप का लगाया आरोप, एफआईआर दर्ज होने पर आरोपी छोटे भाई ने फांसी लगाकर दी जान। यूपी के लखीमपुर खीरी में आईफोन को लेकर विवाद में दोस्त बना दोस्त की जान का दुश्मन, गला दबाकर हत्या। बिहार के आरा में नाबालिग के साथ दो लोगों ने किया दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार दूसरा फरार। गुरुग्राम में लग्जरी गाड़ियों से भरे कंटेनर की लूट का मामला, पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में गैंगस्टर के गुर्गों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 3 गुर्गों को के पैरों में लगी गोलियां, 2 पुलिसकर्मी घायल। राजस्थान के चुरू में नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक बलात्कार का आरोप, 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जालंधर में हेरोइन के साथ पुलिस ने 2 छात्रों को किया गिरफ्तार, दोनों हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। अमृतसर के गेस्ट हाउस में एक नौजवान की रहस्यमयी तरीके से मौत, युवक ने के दोस्तों ने लिया था कमरा। बद्रीनाथ धाम के निर्माणाधीन होटल के ऊपरी माले में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। यूपी के कानपुर में डंपर का टायर फटने से लगी भीषण आग, ड्राइवर समेत 2 लोग झुलसे। बिहार के आरा में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत, नाराज परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। प्रयागराज में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने किया हंगामा, चक्का जाम के दौरान पुलिस से बहस। राजस्थान के बाड़मेर में खेत में विवाद को लेकर महिला के साथ बर्बरता, रिश्तेदारों ने की पिटाई। मध्य प्रदेश के पन्ना में 20 साल की लड़की की लाश मिलने का मामला, परिजनों का आरोप बलात्कार के बाद हत्या। बिहार के दरभंगा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी, स्कॉर्पियो से 1 करोड़ रुपए की रकम बरामद। फरीदाबाद में एक नवविवाहिता को गले में फंदा लगाकर जान से मारने की कोशिश, ससुराल वालों पर आरोप। हरियाणा के झज्जर में गोली मारकर सब्जी विक्रेता की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गाजियाबाद की झुग्गियों में भीषण आग, सिलेंडर में रिसाव की वजह से हुआ हादसा। हरियाणा के फतेहाबाद में आग लगाकर 42 साल की महिला की हत्या, बेटे ने पिता पर लगाया नशे की वारदात को अंजाम देने का आरोप। फिरोजाबाद में हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को शक, उपचुनाव में हो सकता था इस्तेमाल। उत्तराखंड में अक्टूबर महीने में देखने को मिल रहा है ब्रह्म कमल, कोरोना की वजह से कुदरत मेहरबान। कुंभ को लेकर जोरों पर उत्तराखंड सरकार की तैयारियां, अनलॉक 5 में छूट के बाद बढ़ा जोश। केदारनाथ में उमड़ती भीड़ के बीच बढ़ा कोरोना का खतरा, हर 15 दिन में कर्मचारी का होगा कोरोना टेस्ट। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग में भूस्खलन से बाल बाल बचे यात्री, अगले आदेश तक यात्रा पर लगी रोक। कोरोना काल में गुजरात सरकार ने शुरू किया डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम, 18,000 गांव को ऑनलाइन जोड़ने का प्लान। यूपी के सोनभद्र में बिजली कटौती से परेशान हुए लोग, सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। यूपी के कौशाम्बी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किया काम का बहिष्कार, इलाके में बिजली आपूर्ति ठप। मध्य प्रदेश के बैतूल में हाथरस कांड पर भीम आर्मी का प्रदर्शन, पुतला दहन के दौरान 2 पुलिसकर्मी झुलसे। सोपोर आतंकी हमले में शहीद हुए जवान शैलेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर रायबरेली में उनके घर पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। मुंबई में डब्बा वालों के लिए राहत, सरकार ने लोकल में सफर करने की दी मंजूरी। दिल्ली मुंबई से लंदन के लिए सीधे हवाई उड़ान शुरू करेगी स्पाइस जेट, 4 दिसंबर से शुरू होगी यात्रा। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर तक पहुंचाएगी रेलवे, कई रूट पर बढ़ाई गई ट्रेनों के फेरे। सरकार ने दिनेश कुमार खारा की नियुक्ति की एसबीआई के नए चेयरमैन के तौर पर, रजनीश कुमार की लेंगे जगह। होंडा ने निकाला जबरदस्त फेस्टिव ऑफर, WRV जैज सिटी जैसी कारों पर 2.5 लाख रुपए तक की छूट। रेनो की शुरू हुई फेस्टिव सीजन की सेल, गाड़ियों पर मिल रहा 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट। आईपीएल के 20वें मुकाबले में मुंबई ने लगाई जीत की हैट्रिक, राजस्थान को 57 रन से हराया। मुंबई इंडियंस ने दिया था 194 रन का लक्ष्य, 136 रन बना सकी रॉयल्स की टीम। रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस की तीसरी जीत, बेहतर नेट रन रेट के आधार पर स्कोर चार्ट में टॉप पर पहुंची टीम। मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने की धारदार गेंदबाजी, 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट झटके। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच।